ज्ञान तिमरांदस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जया मुदीरेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओम शांति शांति शांति। जय गोपाल। आइए प्रिय बहन भाइयों, श्रोतागणों, सत्संग प्रेमीजनों, स्वागत है आपका श्रीमद् भागवत गीता सत्संग समारोह में। श्रीमद् भागवत गीता भक्ति का रस पिलाने वाला सब्जेक्ट है, शास्त्र है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकली हुई वाणी है। जो श्रीमद् भागवत गीता का पान करते हैं परम धन्य है, उनको परम पुरुष के दर्शन और परम पुरुष से मिलना हो जाता है अपने जीवन में। ये मनुष्य का जीवन बड़ा दुर्लभता से मिलता है, इसको व्यर्थ नहीं खो देना चाहिए। भगवान की भक्ति से पवित्रता आती है, हमारी भावना उज्ज्वल होती है और भगवान के प्रेम से हमारा भगवान से मिलन होता है। जब हृदय में प्रेम होता है, जिसके प्रति होता है उससे मिलना होता है। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, भूत प्रेतों को पूजने वाले भूत प्रेतों को प्राप्त होते हैं। भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त मुझे प्राप्त होते हैं। यान्ति मद्याजिनो अपिमाम। आइए श्रीमद् भागवत गीता के सातवें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हम सब के लिए समझा रहे हैं। पहले अपने साकार स्वरूप के विषय में कहा, अभी वो निराकार स्वरूप से भी अपनी प्रेजेंटेशन, अपनी मौजूदगी बतला रहे हैं। सर्वत्र हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सर्वत्र रूप से विराजमान है भगवान अपनी शक्तियों से, अपने निराकार स्वरूप से। जैसे उदाहरण दिया था पिछले सत्संग माला में, ब्रह्म ज्योति भगवान के धाम का प्रकाश है। असंख्य करोड़ों सूर्य एक साथ उदय हो जाए ऐसा विशेष प्रकाश, ये भगवान के धाम से ही जो प्रकाश फैलता है उनके विभू से, ये ब्रह्म ज्योति है। ब्रह्म ज्योति भगवान का निराकार स्वरूप है। ब्रह्म ज्योति को प्राप्त करने वाले भी भगवान की प्राप्ति कर लेते हैं, लेकिन निराकार स्वरूप से, साकार स्वरूप से नहीं। साकार स्वरूप से तो उनके धाम में वो ही जाते हैं जो उन जिन्होंने साकार स्वरूप से भगवान को पूजा किया हो, माना हो, प्रेम किया हो। साकार स्वरूप से जो मिलना चाहता हो, भगवान का आलिंगन करना चाहता हो, चरण स्पर्श करना चाहता हो, उनको वो साकार स्वरूप से मिलते हैं। भगवान कहते हैं कि पानी के अंदर जो स्वाद है ये भी मैं ही हूं। तो इसका मतलब पानी में जो स्वाद है वो भगवान कैसे होंगे, इतना तो जानना चाहिए। लेकिन भगवान अपने निराकार स्वरूप से
ये झलके दे रहे हैं अर्जुन को। रसो अहमत सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्यो प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषम नृषु। हे अर्जुन, जल में स्वाद में हूं और सूर्य और चंद्रमा में जो प्रकाश है ये भी मैं हूं। सर्वत्र भगवान है, हम भी उनकी शक्ति हैं, मार्जल एनर्जी। भगवान की विशेष रूप से दो शक्ति होती है, सुपीरियर एंड इन्फीरियर। सुपीरियर में सारी इटर्नल शक्ति उनकी होती है, इन्फीरियर में एक्सटर्नल होती है, भौतिक। फिर एक जगह शास्त्र में ये भी वर्णन आया है कि भगवान की तीन प्रकार की शक्तियां विशेष रूप से होती हैं, इटर्नल, एक्सटर्नल और मार्जिनल। तो मार्जिनल शक्ति में ये सारी जीवात्माएं आती हैं, हम सब। एक्सटर्नल में ये विशेष दुर्गाएं और त्रिगुणात्मक देवियां ये संसार को कंट्रोल करती हैं। इटर्नल में भगवान के वैकुंठ धाम में रहने वाली शक्तियां काउंट होती हैं, गिनी जाती हैं, बताया गया है। जिस भगवान के शुद्ध भक्त हैं, भगवान की गोपियां जो वैकुंठ में रहते हैं, भगवान के साथ जो रहते हैं, इटर्नल, एक्सटर्नल एंड मार्जिनल। मार्जिनल को हिंदी में कहा है तटस्थ शक्ति, तटस्थ शक्ति। ये सारी जीवात्माएं भगवान की तटस्थ शक्ति हैं। बहिरंगा शक्ति दुर्गा माता है इत्यादि। अंतरंगा शक्तियों में भगवान के अंतरंग मित्र हैं, जो गोलोक वृंदावन धाम परम धाम में रहते हैं, सखी गोपियां हैं, सखा हैं, शुद्ध भक्त हैं, देव की वसुदेव हैं, नंद बाबा यशोदा है इत्यादि। वो अंतरंग शक्ति है भगवान की। यहां पर भगवान विशेष करके अपने निराकार स्वरूप से, जो कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समा, तो वो सर्वव्यापी हैं, लेकिन वो स्वयं तो नहीं बैठे हैं जल के अंदर कि मोर मुकुट धारण कर लिया है और जल में स्वाद के रूप में घुल गए हों, जो मिश्री की डली घुलती है पानी में। नहीं, भगवान ने कहा है कि वहां भी मेरी प्रेजेंटेशन है, मौजूदगी स्वाद रूप से, जल के अंदर स्वाद रूप से तुम मुझे पहचान सकते हो। जल में जो स्वाद है वो मैं ही हूं। स्वाद नहीं आएगा तो कौन पिएगा खारा जल को? पीना भी नहीं चाहिए, पागल हो जाता है आदमी समुद्र के खारे जल को पीने से। नहीं, झरने का मीठा जल जिसमें स्वाद आता है, कुएं का, गंगा का, चांद तारों की ज्योति, प्रकाश जो निकलता है चांद से, तारों से, सूरज से। भगवान कहते हैं शशि सूर्य में जो प्रकाश है, प्रभास्मि, ये मैं ही हूं। क्योंकि शास्त्र में ऐसा वर्णन किया गया है कि ब्रह्म ज्योति से ही ये सब प्रकाशित है, सारा जगत। और एक जगह ये भी पढ़ा है मैंने, जीव गोस्वामी जी ने गोपाल चंपू, एक बहुत सुंदर काव्य, बहुत सुंदर ग्रंथ की रचना की है 500 वर्ष पहले। वो कहते हैं कि ब्रह्म ज्योति में ही, ब्रह्म ज्योति के एक कोने में ये अनंत ब्रह्मांड लटक रहे हैं, झूल रहे हैं। तो ब्रह्म ज्योति से जो प्रकाश निकल रहा, मिल रहा है, यही ये सूर्य, चांद, पृथ्वी, तारे सब ग्रहण कर रहे हैं उसी प्रकाश को। तो भगवान करेगी शशि सूर्य इनमें प्रकाश है, ये मैं ही हूं। प्रणव सर्ववेदेश, ओंकार सभी वेदों में
से जो मूल रूप से जाना गया है ओंकार में ही हूं, वेदेश सर्व वेदेश सर्वप्रथम ओंकार शब्द प्रकट हुआ भौतिक संसार से। जब भौतिक संसार की प्रकट हुआ तो ओंकार शब्द सबसे पहले आया, ओम शब्द पहले आया। इसलिए अब भी प्रैक्टिकल में आप देख सकते हैं कोई बच्चा जन्म लेता है तो ओम कहता है मुंह से, कोई भी बच्चा, आदमी का ही नहीं, चाहे वो बिल्ली का हो, कुत्ते का हो, गऊ का हो, ओम ओम ही शब्द निकलता है, ओम ओम ही शब्द निकलता है, पहला शब्द ही ओम है। जो बच्चा आप सोच रहे बच्चा रो रहा है, वो रोता हुआ है लेकिन उसके जो पहले शब्द निकले वो ये ओम 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 ऐसे। या कोई दो टुकड़े करो किसी विशेष चीज के तो उसमें जो आवाज आती है वो ओम की आती है। जैसे कोई बंदूक चले या कोई बम फूटे या गर्जना हो बादलों की, ओम, यही ओम शब्द। तो यहां पर ओम शब्द जो है सृष्टि का प्रारंभिक पहला शब्द है, और शब्दों में तो लिया ही नहीं गया, ये ओम को भगवान का शब्द अवतार कहा है। शब्दों में शब्दों की रचना भी बाद में हुई है, उससे पहले ओम था। ओम को साउंड वाइब्रेशंस कहते हैं, साउंड वाणी एक आवाज, ये प्रकृति की आवाज, अनंत ब्रह्मांडों की आवाज। जब ये प्रकट होते हैं तो ओम ऐसे ध्वनि प्रकट होती है, ओम कह के ही प्रकट होता है सारा संसार, छोटे से बड़े तक ओम। तो यहां पर कहा है कि प्रणव सर्ववेदेशु, सो सभी वेदों से और जानी गई विद्याओं से जो निष्कर्ष रूप में पकड़ी गई है बात, वो ओम ओम पकड़ा गया है। ओम आदि शब्द है, आदि साउंड है, आदि आवाज है, ध्वनि है, ओम नाद है, इसको नाद कह के बोला है शास्त्रों में, ओंकार की नाद, ओम ओम ओम। आपने कभी बाघ को देखा हो और बाघ का गर्जना सुनी हो, बाघ का, बाघ जब बोलता है तो स्पष्ट ओम बोलता है, स्पष्ट ओम ओम। तो उसको तो आपकी ABCD या कह कह गए नहीं आते, लेकिन प्रकृति की आवाज पहली आवाज ओम है। ये बाघ में क्या, चीते में क्या, शेर में क्या, बिल्ली में क्या, कुत्ते में क्या, मनुष्य में क्या, गधे में क्या, घोड़े में क्या, पशुओं में क्या, पक्षियों में क्या, जलचरों में क्या, ओम शब्द ही मिलेगा जो नेचुरल निकलता है, प्राकृतिक निकलता है, ओम। इसको बोलने की आवश्यकता नहीं जबान से, ओम बोलने में जबान की आवश्यकता नहीं है, ओम। देखिए जरा जबान को साइलेंट कर लीजिए, जीभ को, तब भी ओम बोल सकते हैं, ओम। तो ओम को ध्यान क्रिया में यूज करने के लिए ओंकार, कार और शब्द लगाया तो ओंकार ओंकार ओंकार, ये ध्यान क्रिया में, सांसों की क्रिया में योगी लोग इसका लाभ लेते हैं। ओम में तीन शब्द छुपे हुए हैं ऐसे, ओम साइलेंट है, आगे जो शब्द पहले बने वो ऐ बना ना, ओम यही बने थे तीन शब्द, फिर और ज्यादा बने, 12 बने और 36 बने, लेकिन ओम सेकंड नंबर पर ये ओम से ही बने, ओम।
तो बोलता है कि बहुत गहराई में जाके जो जाना गया है, वेदों से जो जाना गया है, क्योंकि वेदों के प्रत्येक सूत्र से पहले ओम लगता है, ओम नहीं हो तो समझना वो वेद का सूत्र नहीं हुआ। ओम भूर्भुवः स्वः तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम गणनाम, जो भी मंत्र होगा ओम से शुरू होगा, ओम से प्रारंभ होगा। ये संसार ही ओम से प्रारंभ हुआ है, ये जीवन भी ओम से प्रारंभ हुआ है। इसलिए भगवान का ओम जो है ये ध्वनि है जो सृष्टि के प्रारंभ में प्रकट हुई, ये ध्वनि से ही ये संसार प्रकट हुआ। आकाश में ये ध्वनि है, ओम है, वायु में ओम है, ओंकाराय नमो नमः। गुरु नानक जी ने तो बोल ही दिया कि एक ओंकार सतनाम श्री वाहे गुरु। ओंकार का भी जप कर लो तो कल्याण हो जाता है, आत्मा का मोक्ष मिल जाती है, प्रकाशमान हो उठता है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पुरुषम निषु। शब्द और आकाश के अंदर जो शब्द होता है, ये भगवान कहते हैं ये मैं ही हूं, ओम भी मैं ही हूं और आकाश में जो शब्द होता है ये भी मैं ही हूं। ये आकाश है दोनों हथेलियों के बीच में, इसमें साउंड हुआ, आवाज आई, शब्द पैदा हुआ। बोलो आकाश के अंदर जो भी शब्द पैदा होता है, हमारे मुंह के अंदर आकाश तो है तभी तो शब्द पैदा हो रहे हैं, बोल रहे हैं हम। आकाश नहीं हो, गैप नहीं हो तो कैसे बोलेंगे? इस यहां गैप नहीं है दोनों हाथों के बीच, तो कैसे ताली बजेगी? गैप करना पड़ेगा ताली बजाने के लिए। ऐसे आकाश में जो भी ध्वनि आती है वो शब्द रूप से जानी गई है। अलग अलग तरह के शब्द प्रकट होते हैं, जो कोई सितार को ले लो, हारमोनियम को ले लो, सारे गामा पाधा नीसा, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट साउंड आती है, शब्द हैं ए आ ई ई उ ए ऐ ओ औ अं ए शब्द। भगवान कह रहे हैं कि आकाश में शब्द मैं हूं, तो भगवान ए आ ई ई तो नहीं है, लेकिन उनका निराकार रूप, उनके निराकार रूप से उनकी मौजूदगी सर्वत्र है, वो सर्वव्यापी है। लेकिन ध्यान बटा रहे हैं भगवान कि मेरा स्मरण भी कर सकते हैं इस प्रकार से लोग, जो सूर्योदय हो और प्रकाश फैले तो भगवान का स्मरण कर सकते हैं, जय हो प्रभु, धन्य हो, सब भय दूर हो गया, अंधकार दूर हो गया, अब मैं स्पष्ट देख सकता हूँ, चल सकता हूँ मार्ग में, भय दूर हो गए, अभी भूत भाग गए, प्रकाश हो गया। चंद्रमा की चांदनी में भी अंधेरे में लोग नहीं चलते हैं, चांदनी फैलती है जब रास्ते चलते हैं, कि कोई सांप भी दिखाई दी जाए, कोई शेर बाघ दूर से दिखाई दी जाए, जरा बचाव कर लें। तो भगवान की याद आनी चाहिए सूर्य की और चंद्रमा की, जब प्रकाश देखें, चांदनी और किरण देखें, भगवान की याद आनी चाहिए। जल पिए तो स्वाद है भगवान, जल में स्वाद है तो जल पिए, जल मिले जगदीश मिले तो जगदीश की याद करनी चाहिए। वो स्वाद तो श्री कृष्ण भगवान स्वयं नहीं है, लेकिन उनकी 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 प्रेजेंटेशन है वहां पर, उनकी एनर्जी है वहां पर, उनकी शक्ति है वहां पर, स्वाद उनकी शक्ति है। भौतिक शक्ति है भगवान की, ऐसे ही प्रकाश भी भगवान की शक्ति है। भगवान की शक्ति है तब तो भय दूर हो जाते हैं। ओंकार तो ओम सर्ववेदेषु प्रणवः सर्ववेदेषु, सारे वेदों से जो निष्कर्ष निकला है उसमें ओम निकला है। इसलिए भागवत में सुखदेव गोस्वामी जी उपदेश करते हुए कहते हैं कि सत्ययुग में
ओम ही एकमात्र होता है वेद के नाम से, ना ऋग्वेद होता है, ना सामवेद, ना यजुर्वेद, ना अथर्वेद, ओम ही वेद होते हैं, एक ओम ही बस, ओम से ही काम चल जाता है, चारों वेदों की आवश्यकता ही नहीं है। ओम, ओम से ही आत्मा का शुद्धिकरण हो जाता है, ओम से ही परमात्मा की याद करते हैं जीव अप्राणी। लेकिन निराकारवादी ओम को ही पकड़ के बैठ जाते हैं, फिर भगवान के जो विभिन्न सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे नाम है उनसे वंचित रहता और रह जाते हैं। फिर वो कृष्ण, माधव, मधुसूदन, नारायण या पद्मनाभ, दामोदर इत्यादि नामों से वंचित रह जाते हैं। वो कहते हैं नहीं, ओम ही सब है। नहीं, भगवान के अनंत नाम है, भगवान के, भगवान श्री कृष्ण के अनंत नाम है, एक नाम नहीं है। सभी से यदि आपको किसी एक से प्रेम हो गया, सच्चा प्रेम, तो सभी से आपका प्रेम हो जाएगा, सर्वत्र उसी की झलक फिर प्रकट हो जाएगी। एक नाम से भी आपका प्रेम हो गया है तो और नामों में भी उसी को देखेंगे आप। प्रणवा सर्ववेदेशु शब्द शब्द खे पौरुषु। तो फिर आगे कहा है भगवान ने कि जो नरों के अंदर जो पुरुषत्व होता है वो भी तो मैं ही हूं। जिस पुरुषत्व से आदमी पुरुषार्थ करता है, ये पुरुषार्थ यानी पुरुष नाम आत्मा का, आत्मा का अर्थ क्या है, पुरुषार्थ आत्मा का उद्देश्य क्या है, उस परमेश्वर की प्राप्ति करना, अपने धाम को वापस जाना जहां से आ गई है, नीचे पतन हो गया, नीचे गिर गई है, उस स्तर पर वापस रिटर्न होना। पौरुषम नृषु, तो नरों के अंदर पुरुषार्थ मैं हूं, भगवान कहते हैं। पुरुषार्थी व्यक्ति परोपकार करता है, पुण्य कर्म करता है, दूसरों को सहयोगी बनता है दूसरों के लिए, यानी वो ऐसे ऐसे पुरुषार्थ के काम करता है जिससे उसके हृदय में बैठे परमात्मा प्रसन्न होते हैं। तो नर शब्द यहां दिया है, लेकिन ये नारियों के अंदर भी हो सकता है, उसको भी, या नर और नारी जिसको हम समझ रहे हैं वो मतलब नहीं है। पुरुष तो आत्मा को कहा है, वो नारी के अंदर हो या पुरुष के अंदर हो, नर के अंदर हो। नरों में जो राजा होता है, एक भगवान का भक्त श्रेष्ठ राजा, भगवान कहते हैं कि वो पौरुषम में हूं, वो पौरुषम में हूं, एक झलक जो श्रेष्ठ झलक है नरों के बीच में वो मैं हूं। श्रेष्ठ चरित्र कहो उसे, श्रेष्ठ जीवन का जीना कहो, श्रेष्ठ व्यवहार कहो, जो मर्जी आए आप कह लो। तो ये नरों के अंदर जो पुरुषार्थ है, पौरुषम है, भगवान कहते हैं ये मैं ही हूं। तो इस श्लोक में पूरी तरह से जानने के लिए भगवान ने कहा है, रसो हम रसो अहम अप्सु कौन्ते प्रभास्मि शशि सूर्यो प्रणवा सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषम नृषु पुण्यो गंधः पृथिव्याम च तेजश्चास्मि विभावसो जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। फिर भगवान ने कहा कि जो पृथ्वी के अंदर गंध है, पूर्ण पवित्र गंध, सुगंध, वो मैं ही हूं। पृथ्वी में गंध है, पूर्ण गंध
पृथ्वीव्याम च तेजश्चास्मी विभावसो। आई एम द ओरिजिनल फ्रेग्रेंस ऑफ द अर्थ एंड आई एम द हीट इन फायर। आई एम द लाइफ ऑफ ऑल दैट लिव्स एंड आई एम द पेनेंसेज ऑफ ऑल। जो तपस्वी लोग तप करते हैं, भगवान कहते हैं तप मैं ही हूं। तो तप तो उनका एक एक झलक है निराकार स्वरूप की, साकार स्वरूप से नहीं, पूर्ण रूप से नहीं, झलक स्वरूप से। जैसे भगवान कहे कि फूलों में गंध में ही हूं, तो उनका एक हाजिरी, एक मौजूदगी है वहां पर, भगवान की प्रेजेंटेशन है, इसलिए उनको ओमनी प्रेजेंट कहा है, वो सर्वत्र है। तो पृथ्वी में गंध है, भगवान पवित्र गंध है, अग्नि में तेज है, अग्नि में जो तेज झलकता है वो भगवान स्वयं है। जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु, और ये सारे भूत प्राणियों का जो जीवन है ये भी मैं ही हूं। अगर मैं नहीं हूं तो मुर्दे की तरह पड़ जाएंगे सब, ये मैं ही हूं। तो भगवान के अंश हैं हम, भगवान की किरण ही है। कहिए कि भगवान की विभू में से, श्री विग्रह में से जो प्रकाश किरणें निकल रही हैं, उनमें हम असंख्य जीवात्माएं हैं। तो भगवान को हर प्रकार से हर चीज को कहने का हक है, क्योंकि वो ही है। है शब्द ही उन्हीं के लिए बना है, हमारे लिए नहीं। हम कल नहीं थे, आज हैं, कल नहीं होंगे। तो टेम्परेरीली हम हैं लगा ले, कोई बात नहीं, लेकिन परमानेंटली है शब्द जो है भगवान के लिए ही है। वो कल भी थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। वो वहां भी हैं, यहां भी हैं, सर्वत्र हैं। तो है शब्द भगवान के लिए बना है, वो हैं। ये अनंत की प्रलय हो जाती है तब भी वो ही शेष बसते हैं, कोई नहीं बसता। जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु, बीजम माम सर्वभूतानाम विद्धि पार्थ सनातनम। बीजम माम सर्वभूतानाम विद्धि पार्थ सनातनम। और सनातन बीज सब भूतों का बीज, सब भूत प्राणी जितने भी इस संसार में हैं, जिन्होंने शरीर धारण किए हैं, वो मनुष्य हो या पशु पक्षी हो या विष्णु भगवान हो या ब्रह्मा जी हो, शिव जी हो, नारायण वसुदेव हो, देव दूसरे दूसरे धामों में जितने भी भगवान के अंतरंग सखा मित्र गोपी, ये सब देहधारी हैं। उन वे आध्यात्मिक तत्व में हैं, ये भौतिक तत्व में हैं, फर्क इतना है। लेकिन भगवान कहते हैं कि बीजम माम सर्वभूतानाम, तो बाकी रहा है क्या? जब भगवान सभी कारणों के कारण है तो बीज भी वही है। उन्होंने तो कहा है अहम बीज प्रदा पिता, तो पिता बीज तो वही है, सभी बीजों के मूल बीज तो वही है। बीजम माम सर्वभूतानाम विद्धि पार्थ सनातनम, हे सनातन, हे पार्थ, मुझे सनातन बीज भी, मुझे जान सब भूतों का, जिससे सारे भूत पैदा होते हैं, सारे देहधारी जन्म लेते हैं,